हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निमी फैक्ट्स। फ्रेंड्स, दुनिया में अगर खूबसूरत लोगों की बात की जाए तो दस्ते कुदरत ने बहुत से खूबसूरत लोगों को बनाया है। तो इसी तरह मैं आपको दुनिया की 5 खूबसूरत पॉलिटिशियंस वो मेंस के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपने करियर का आगाज और जिंदगी का मकसद सियासत बना लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, रूबी ढाला 18 फरवरी 1974 को पैदा हुई। ये इंडियन है और कनाडा में रहाइश पजीर भी है। रूबी कनाडा की लिबरल पार्टी का हिस्सा है। रूबी सबसे ज्यादा ग्लैमरस पॉलिटिकल खवातीन में 5वें नंबर पर आती हैं। कनाडा की सियासतदान रूबी ढाला ने कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। इसके अलावा रूबी ढाला कनाडा में 50 सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों की लिस्ट में आती हैं। रूबी ढाला ने हॉलीवुड की एक मूवी में भी काम किया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको रानियल अब्दुल्ला के बारे में बताऊंगी। रानियल अब्दुल्ला उर्दन की मलिका हैं, जो कि 31 अगस्त 1917 को पैदा हुई। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की बीवी रानिया अल अब्दुल्ला मौजूदा मलिका हैं, जो कि हर कोई नहीं जानता। रानिया ने अपने मुल्क और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए काफी काम किए हैं। उसने अपने मुल्क के बच्चों की तालीम की सलाहियत और मयार पर काफी काम किया है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए खुद भी अच्छी तालीम हासिल की और उससे अपने मुल्क को भी फायदे दिलाए, और वो दुनिया में अपने अच्छे कामों की वजह से एक अच्छी लीडर मानी जाती हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ वेल ड्रेस्ड, क्यूट स्माइल और बहुत ही उम्दा शख्सियत की मालिक हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेटालिया पोक्लोंस्काया के बारे में बताऊंगी। ये 18 मार्च 1980 को यूक्रेनिया में पैदा हुई और ये रशियन पॉलिटिशियन हैं। नेटालिया फिलहाल रशिया की रियासत डूमा में नायब के तौर पर काम कर रही हैं। नेटालिया ने पहले क्रीमिया जमहूरियत के प्रोसिक्यूटर और जस्टिस सेफ्टी काउंसलर के तौर पर काम किया। नेटालिया रशिया आने से पहले यूक्रेनिया प्रोसिक्यूटर के तौर पर 2002 से फरवरी 2014 तक काम कर रही थी। नेटालिया मोस्ट ग्लैमरस वुमेन इन पॉलिटिकल में नंबर 3 पर आती हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अरपाइन होवेंसियन के बारे में। अरपाइन होवेंसियन 4 दिसंबर 1983 को आर्मेनिया में पैदा हुई और वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आर्मेनियन की लीडर हैं। आर्मेनियन में पॉलिटिशियन खवातीन में सबसे खूबसूरत अरपाइन होवेंसियन हैं। वो सियासतदान होने के साथ साथ एक काबिले वकील भी हैं। अरपाइन पहली वाहिद लड़की हैं जिनको जस्टिस मिनिस्टर इन आर्मेनिया की पोजीशन पर रखा गया, और इसके अलावा अरपाइन को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया की साबिक सदर भी बनाया गया। फ्रेंड्स, बात करते हैं मरियम नवाज के बारे में। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 में पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर थी। मरियम नवाज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा पुरकशिश और निहायत खूबसूरत औरत हैं। मरियम नवाज 3 बार साबिक़ वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हैं, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर नवंबर 2011 में शुरू किया। ये स्मार्ट, गुड लुक और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वुमेन हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। गुड बाय।